कि पंजाब विच छा जाएगा हनेरा, कोला लैन लई पंजाब नूं खड़काना पवेगा विदेशां दा दरवाजा। केंद्र सरकार ने पंजाब नूं कोले दी ढुकवीं सप्लाई देण तों पूरी तरह नाल पल्ला झाड़ लिता है, नाल ही विदेशी कोला लैन दा मशवरा दिता है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने पंजाब सने सारियां सूबा सरकारां नूं पत्र लिख के स्पष्ट कर दिता है कि हरेक सूबे नूं कोले की कमी के लिहाज नाल नहीं सगों अनुपात मुताबक सप्लाई दिती जाएगी। इसका साफ साफ मतलब यह है कि कोला खत्म होने ते केंद्र तो इसकी वाधू सप्लाई नहीं मिल सकेगी। पंजाब नूं हुण विदेशी कोले की सप्लाई से निर्भर होना पैना। केंद्र ने वार्निंग दिंदे कहा है कि कोला कंपनियां दे जो भी बकाए खड़े ने ओह फौरी क्लीयर किए जा, सूबे नूं अलाट कोला खाना तो वध उत्पादन लिया जाए। यह भी हदायत की गई है कि सूबे रेलवे रैक फौरी खाली करा। सूत्रों मुताबक इकले कोले की ही नहीं सगों केंद्र को रेलवे रैकों की भी कमी है। उन्होंने कहा कि वह कोला सप्लाई पर नज़र रख रहे हैं, ऊर्जा के दूसरे स्रोतों की वरतों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तुम दस दें पंजाब प्राइवेट ताप बिजली घर कोला भंडार मुक चुके हैं, जबकि पब्लिक सैक्टर के लहरा मुहब्बत और रोपड़ ताप बिजली घर को 15-15 दिन का कोला भंडार पे है। तलवंडी साबो और गोइंदवाल थर्मल प्लांटा को इस वेले एक दिन तो घट का कोला बचा है। अजिहे हालात प्राइवेट थर्मलों के यूनिट बंद हो सकते हैं। पावरकॉम वालों झोने के सीजन वेले बिजली संकट एक वड्डी चुनौती बन के उभर सकती है। इतने दसन योग है कि पंजाब नूं टाटा मुद्रा प्लांट तो 475 मैगावाट बिजली सप्लाई मिलती सी, जो हुण बंद पई है। केंद्र ने इस प्लांट नूं छोड़ दिती है, जिस तो बिजली सप्लाई लैण लई बणदा भा देण लई कहा गया। अगाऊ भंडार किया कोला हुण पब्लिक खेत्र के ताप बिजली घरां दे काम आ रहा है। केंद्रीय बिजली एक्सचेंज बिजली के भा 18 रुपए प्रति यूनिट तक पहुँच गए ने, जो अज मुड़ औसतन 11 रुपए यूनिट से आ गए हैं। पंजाब के सारे 15 यूनिटा चो इस वेले 12 यूनिट चल रहे हैं। रोपड़ के 4 यूनिटा चो 3 अते लहरा मुहब्बत के सारे यूनिट चल रहे हैं। राजपुरा थर्मल का 1 यूनिट चल रहा है, जबकि दूसरा यूनिट 26 मार्च तो 5 दिन बंद हो चुके हैं। चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।